दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको महान खिलाड़ी एमएस धोनी द्वारा कही गई कुछ बातें बताऊंगा। कल कोई और आएगा जो मुझसे अच्छा खेलेगा, कल काफी दूसरे लोग आएंगे जो आपसे अच्छा देखेंगे, ऐसा कहना है हमारे माही का। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि क्रिकेट खेलूंगा या अपने देश के लिए क्रिकेट खेलूंगा। मैं सिर्फ जो स्पोर्ट था उसे एंजॉय करना चाहता था। 4 बजे मेरे घर में परमिशन था कि आप 4 से 6 खेल सकते हैं। स्कूल में हमारी छुट्टी 1:30 बजे तक हो जाती थी, तो हम लोग बाद में एंजॉय करते थे। उसके बाद जब गर्मी की छुट्टी होती थी तो स्कूल में जो क्रिकेट का सामान था वो लेकर 15 से 20 दिन तक आपस में मैचेस खेलते थे। तो सब कुछ धीरे धीरे अच्छा होता चला गया। एक ब्रेक मिला जिसमें मैंने अंडर 16 अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट खेला। उसके बाद अपनी डिस्ट्रिक्ट को मैंने रिप्रेजेंट किया तो मुझे नेशनल टीम में भी चांस मिल गया। मैंने कभी बहुत आगे का नहीं सोचा। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं इंडिया के लिए खेलूंगा। मेरे लिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण था कि मैं कल कौन सा मैच खेलने वाला हूँ या परसों कौन सा खेलूंगा। और इस तरह की सोच ने मुझे बहुत हैरत किया कि मैं बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखता था। मेरी ऐसी सोच नहीं थी कि यार मुझे इस टीम में सिलेक्ट होना चाहिए। मेरे भाई मेरे हाथ में था परफॉर्म करना और वो भी अच्छा करना, और वो मैंने बहुत ही लगन से किया जिसका रिजल्ट मुझे मिला। दोस्तों अगर आप भी एमएस धोनी के फैन हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद जय भारत दोस्तों।